रितु बेटा तो सोई नहीं अभी तक। इस घर में नींद कैसे आती है पापा? आप भी तो जाग रहे हैं। ठीक कह रही है तू पुत्र, अनु के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है अभी डांट कर कहेगी, टीवी देख रहे हो, दवा नहीं खाई, सारी रात जागते रहोगे क्या? पापा, पापा प्लीज कुछ कीजिए ना, मम्मा के बिना मेरा भी दिल नहीं लगता। आप कितने लोगों को जानते हो ना? मैं कल वकील से बात करके उसकी जमानत का कुछ करता हूं, तो फिक्र न कर। Very tiring it is. But it was fun for me. Oh my God. जिंदगी में मुझे पहली बार पता चला कि shopping is a very very fascinating job. इंसान shopping से भी लुत्फ उठा सकता है, बशर्ते कि उसे पैसे खर्च करने की तमीज हो। और ये तमीज भी मुझे तुमसे मिलने के बाद ही आई। क्या बात है जी? जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं, तुम्हें अपना हर एक्सपीरियंस अपने जिंदगी के पहले एक्सपीरियंस जैसा क्यों महसूस हो रहा है? तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब देखो ना, यहाँ आए हुए 10 दिन हो गए और 10 दिन? What are you saying? यही तो मैं भी कह रहा हूँ। 10 दिन हो गए और कुछ पता नहीं चला। वैसे 3 दिन हो गए आपको इंडिया फोन किए हुए। आपके इरादे तो नहीं है ना? अच्छा, अगर तुम्हें इतना याद है कि 3 दिन से मैंने इंडिया फोन नहीं किया, तो तुम्हें इतना ही पता होगा कि 3 दिन से मेरे लिए भी इंडिया से कोई फोन नहीं आया। अब निकिता नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है? तू फोन कर लो। मैंने डिसीजन ले लिया कि जब तक वहां से मेरे लिए फोन नहीं आएगा, मैं यहां से फोन नहीं करने वाली। अब इसमें कौन सी ऐसी जिद है? जिद है जय, जितनी जरूरत मुझे अक्षय की महसूस होती है, अक्षय को भी मेरी उतनी जरूरत महसूस होनी चाहिए। जानता रितु, तुम पे सब क्या बीत रही है, पर तुम चिंता मत करो, रमन जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आकाश, जब तक मम्मा इस घर में वापस नहीं आ जाती, तब तक मेरे लिए पापा के सारे एफर्ट्स कोई मायने नहीं रखते। आकाश, तुम मानते हो ना, मेरी मम्मा किसी का फोन नहीं कर सकती? फिर पुलिस ये बात क्यों नहीं समझती? पुलिस को ये बात माननी पड़ेगी। और आकाश, सारा दिन मम्मा का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है, लगता है जैसे अभी आवाज देंगी मुझे। एंड आई एम हेल्पलेस। मैं तुम्हें जानता हूं रितु, पर मैं ये भी जानता हूं कि आंटी के बिना तुम्हें कैसा लग रहा है। रमन जी ने तो सारी जिंदगी तुम्हें छोटा सा दुख भी नहीं बर्दाश्त करने दिया।
और ये तो हम सबके लिए बहुत बहुत ही ज्यादा दुख की बात। अम्मा के बिना मैं बहुत अकेली हूँ। तुम अपने आप को अकेली क्यों महसूस करती हो? हम सब तुम्हारे साथ हैं। We're all with you. Thanks, आकाश। और तुम आकाशी दोस्तों के इतनी कमजोर कब से हो गई? चलो No more jokes, huh? क्या बात कर रहे जीजू? मैं तो अभी शुरू हुई हूँ। बस मैं और नहीं हंस सकता। आप भी। सारी दुनिया कहती है कि हंसना हर मर्ज की दवा है। आप अपने आप को कैसे रोक सकते हैं? अरे होती होगी दवा, पर हंसने की भी कुछ सीमा होती है ना। ऐसा है, इस सिम्मी की कोई सीमा भी नहीं होती। दूसरा जोक सुनिए। अक्षय कितने अरसे के बाद इस तरह खुलकर हंसा है। भाई सिम्मी की वजह से अक्षय बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कितना गलत सोचते थे ना हम लोग सिम्मी के बारे में। निकिता की बहन निकिता जैसी ही होगी, लेकिन ये तो उससे बिल्कुल उल्टी है। सिम्मी जितनी सेवा कर रही है ना अक्षय की, निकिता उसकी बीवी होने के बावजूद भी उतनी सेवा नहीं करती। काश निकिता सिम्मी जैसी होती। यामिनी जरा फोन तो लेना बेटा। मैं देखता हूँ। हेलो। नमस्ते बाबू जी, मैं आकाश बोल रहा हूँ। हाँ आकाश बेटे, कैसे हो तुम? अम्मा की तबीयत कैसी बाबू जी? आकाश बेटा मैं माफी चाहता हूँ, यामिनी को रामपुर लाने के लिए मैंने तुमसे झूठ बोला था। सुधा को कुछ नहीं हुआ, वो एकदम ठीक है। चलिए बाबू जी, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी खामखा घबरा गए थे यहाँ पे। दरअसल अखबार में किटी के खून की खबर सुनकर हम भी बहुत घबरा गए थे। और बेटा उस शहर में कभी कुछ भी हो सकता है, और मैं नहीं चाहता था कि खून के इस मामले में यामिनी पर कोई आ जाए, इसलिए मैं उसे अपने साथ रामपुर ले आया। मैं समझता हूँ बाबू जी, मैं यामिनी से बात कर सकता हूँ? हाँ एक मिनट। यामिनी आओ बेटा, आकाश तुमसे बात करना चाहता है। अच्छा किया जो आपने आकाश को सब सच सच बता दिया। हेलो यामिनी, कैसे हो तुम? हाँ सब ठीक है। हाँ सब ठीक है। आकाश अनामिक आंटी की क्या खबर है? वो तो अभी पुलिस कस्टडी में है। खैर मैंने तुम्हें किसी और वजह से फोन किया था। रितु को तुम्हारी सख्त जरूरत है, बहुत आइसोलेटेड फील कर रही है। मैं समझती हूँ आकाश, लेकिन मैं वहां नहीं आ सकती। मैं रखती हूँ आकाश, बाय।